नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, देख पा रहे हैं आप, एक इंची स्टंपिंग साइज का या कूलर मोटर का स्टंपिंग है। दोस्तों हम इसका वाइंडिंग डाटा आपको बताने वाले हैं, और जो डाटा हम आपको बताएंगे दोस्तों यह हारमोनियम में होगा। दोस्तों इस डाटे से आप भरिए और मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़बरदस्त यह होने वाला है आज डाटा। यह डाटा हम काफ़ी समय से प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा डाटा है। दोस्तों देख पा रहे हैं यह एक इंची का स्टेटस है कूलर का, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो मोटर है हमारी। दोस्तों फिर हम बात कर लेते हैं कुछ इसके जानकारी देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसका स्टंपिंग साइज बता देता हूँ, देख पा रहे हैं आप एक इंच, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे एक इंच है। इसको यदि एमएम में कन्वर्ट किया जाए तो 25 एमएम आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके इनर डाया की, आप इसका इनर डाया देख सकते हैं 3 इंच है, 1, 2, 3। बात करते हैं एमएम में दोस्तों, यह है लगभग 75 एमएम। इसका दोस्तों आउटर डाया हम देख लेते हैं, यह है 5 इंच। बात करते हैं इसका एमएम में तो 125 एमएम। तो इसका जो वाइंडिंग डाटा होने वाला है दोस्तों मैं आपको हारमोनियम में बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी पर हर रोज आते रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी वाइंडिंग कर दिया है और इसका धागा वगैरह सब लगा दिया है, देख पा रहे हैं ये दो ब्लैक कलर के वायर निकले हैं, यह स्टार्टिंग के हैं और यह रनिंग के हैं। दोस्तों इसमें टोटल ये 4 पोल की मोटर चलाती है और 1440 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। यह 220 वोल्ट पे वर्क करती है और 4 MVA का इसमें कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। उन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो आरपीएम होगा 1440, क्योंकि 4 पोल का मोटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं पोल हमसे कहते हैं, एक यहाँ से यहाँ एक क्वायर लगा, एक ये 2, ये 3 और ये रहा हमारा 4। इसी तरह से स्टार्टिंग में भी 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे वाइंडिंग करें। इसका जो पिच आप देख पा रहे हैं 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड हमने इसको डाला हुआ है। दोस्तों इसका 1 से 4 में जो कुछ हमने रनिंग में रखा हुआ है, जो बाहर क्वायर रखा है, मैंने से दोस्तों लच्छी से वाइंडिंग किया है, क्योंकि लच्छी में जोड़ कम होते हैं। कभी भी आप हारमोनियम में वाइंडिंग करें तो लच्छी से ही प्रयोग करें। तो हमने इसमें टर्न रखा है 150 यानी 150 टर्न रखा है और 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड इसका हमने इसे इंस्टॉल किया है। तो SWG का प्रयोग जो किया है दोस्तों वह है 28 नंबर हारमोनियम वायर। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में हमने दोस्तों वाइंडिंग किया है पिच जो होगा 1 से 4 एक राउंड, 1 से 6 2 राउंड और SWG 30 नंबर हारमोनियम, टर्न 150। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, इस तरह से आप इसे वाइंडिंग करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो हर रोज़ आपके अपने चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी पर आते रहते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करें, बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देख रहे कितनी अच्छी सफाई आई है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।